भारत की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला अन्नदाता एक बार फिर खेत छोड़कर सड़क पर आ गया है। दरअसल मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान इस कदर नाराज हुए कि आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वहीं फरुखाबाद में किसान अध्यादेश के विरोध में सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए और बरेली इटावा हाईवे को चक्का जाम कर किसानों ने उत्पीड़न बंद कर किसान अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग की। हमारा नाम अरविंद साक, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान। जी, किस बात को लेके क्या आपकी ये मांगे? हमारी मांगे हैं सरकार से, एक ही मांग है कि सरकार एमएसपी से नीचे जो खरीदे उसे जेल में डाला जाए। सरकार इसको लागू नहीं कर रही। सरकार ने जो 3 कृषि अध्यादेश लागू किए हैं ये किसान हित में नहीं है, ये किसान विरोधी अध्यादेश हैं और इसके लिए किसान जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। किसान ना जेल से घबराता है और ना सरकार की गोली से घबराता है। हम जो है ये कानून बदलवा कर ही किसान जो है अब चैन से बैठेगा। वहीं रामपुर से भी कई दर्जन किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली की ओर कूच करने के लिए निकले, लेकिन उनको रामपुर पुलिस ने अम्बेडकर पार्क पर ही रोक दिया। बहरहाल किसान हाईवे पर धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ कम से कम लगभग 3 महीने से लगातार किसान सड़कों पर है। अब सड़कों से जब उठ के दिल्ली की तरफ कूच करने चला तो गूंगी बैरी सरकार ने उसे रोका कि हम दिल्ली नहीं आने देंगे। बौछार मारी, आंसू बोले छोड़े। तो ये बताओ किसानों की कितनी बदनसीबी है कि हम अपनी सरकार को दिल्ली नहीं जा सकते, अपनी सरकार से कोई बात नहीं सकते, तो इस्लामाबाद को ही जाएंगे या इस्लामाबाद भेज दो भाई हमें। जब आप नहीं सुन रहे हो तो इस्लामाबाद भेजो ना। जब तुम अपने किसानों से इतनी नफरत करने लगे, उन पर आंसू गैस छोड़ने लगे, उन पर पानी की बुछार छोड़ने लगे। इधर रायबरेली के भी हजारों किसानों ने विकास भवन में बैठकर जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां महामहिम राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। देश भर के तमाम संगठन जहां 26-27 को दिल्ली कूच करने के बाद सरकार द्वारा उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश का किसान लगातार आक्रोशित है, जिसको लेकर आज रायबरेली में भी एक विशाल प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया है। किसानों को कहना है कि लगातार आवारा जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, धान क्रय केंद्रों पर उनका धान सही खरीदारी नहीं की जा रही है, बिचौलिए हावी हैं। ऐसे ही 7 सूत्री ज्ञापन के साथ आज रायबरेली के किसानों ने जो अखिल भारतीय किसान महासभा के संगठन ने विशाल प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। अब जिस तरह से लगातार किसान आक्रोशित हैं, अगर बात की जा रहा है बरेली की, तो अभी भी जो नहर है उनमें पानी नहीं आ रहा है, लगातार फसलों को आवारा जानवर खा रहे हैं। इसके बावजूद एमएनपी से जो खरीदारी की जा रही है, बिजली दर में यूनिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि किसानों को फ्री कनेक्शन दिया गया था, इसके बावजूद भी लगातार बिल जो हैं लगातार ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर आज रायबरेली में उग्र प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और प्रशासन से नहरों में पानी और धान क्रय केंद्रों पर निगरानी रखने जैसी समस्याओं पर विशेष बात कही गई है। रायबरेली, SK सोनी, पंजाब केसरी।